कदम से कदम जब मिलाकर चलोगे यकीनन खुदा की भी रहमत पड़ेगी। अकेले सफर तुम न तय कर सकोगे, हमारी भी तुमको जरूरत पड़ेगी। न्यूज परभानी महानगर की ओर से तमाम व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। सितारों से सजा आसमान होगा, हर जहां में आपका सम्मान होगा। इस मौके पर ये दुआ करते हैं, आप जो भी काम करोगे वो काम महान होगा। देश के सभी नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक परभनी कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, विधानसभा परभनी। रमजान ईद के इस त्यौहार के मौके पे पूरे देशवासियों को हार्दिक ऐसी बधाई देता हूँ। ये त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाना चाहिए। सब धर्मों के जितने लोग हैं सबने मिलके इस त्यौहार का आनंद लेना चाहिए। सबको हर एक बार मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, शिवसेना की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। तरक्की मिलेगी तो गिराने वाले भी मिलेंगे, तरक्की मिलेगी तो गिराने वाले भी मिलेंगे, तो तैयार रहना आजमाने वाले भी मिलेंगे। तमाम बरादरान वतन को ईद उल फित्र के हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक कलीम बॉस भावी नगर सेवक परभनी। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक इमरान हुसैनी भावी नगर सेवक परभनी। डॉक्टर सालेहा कौसर कौसर हॉस्पिटल की जान से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक डॉक्टर सालेहा कौसर डॉक्टर अब्दुल सलीम। कौसर हॉस्पिटल व सोनोग्राफी सेंटर, मैटरनिटी व नर्सिंग होम, महावीर टाकिस के करीब, मौलाना आजाद रोड, परभनी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर सालेहा कौसर अब्दुल सलीम, डायरेक्टर ऑफ कौसर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल परभनी। मैं तमाम ब्रदरान वतन को मेरी जानिब से ईद की बहुत बहुत पुरखलूस मुबारकबाद देती हूँ। एक दूसरे से साफ दिल से मिलेंगे और एक दूसरे के लिए अच्छा सोचेंगे और जो भी मुश्किल हमें आ रहे हैं उसके हम डट कर सामना करेंगे। परभनी जिले में ईद उल फित्र हर्षोल्लास के साथ मनाई, दुआओं के लिए उठे लाखों नमाजियों के हाथ। परभनी शहर के अलावा समूचे जिले में तारीख 22 अप्रैल 2023 शनिवार के रोज रमजान ईद यानी ईद उल फित्र की नमाज हर्षोल्लास के साथ मनाई गई और इस समय दुआओं के लिए लाखों नमाजियों के हाथ उठे। परभनी शहर में ईद उल फित्र की नमाज 3 ईदगाहों के अलावा अन्य मस्जिदों में अदा की गई और नमाज के बाद उम्मत मुस्लिमा के खैर और आफियत के लिए दुआएं मांगी गई, जिसमें लाखों हाथ दुआओं के लिए उठते हुए दिखाई दिए। नमाज के बाद ईद के अवसर पर एक दूसरे को मिलकर मुबारकबाद पेश की गई। परभनी के खदीम ईदगाह जिंतूर रोड स्थित ईदगाह ईद उल फित्र की नमाज सुबह 8:30 बजे अदा की गई। इस समय ईदगाह में नमाजी ज्यादा तादाद में आने से सरकारी दवाखाने के रास्ते तक और जेल कॉर्नर के रास्ते पर तक लोगों ने नमाज अदा की। ईदगाह में नमाज मौलाना हाफिज मोहम्मद शफी मेहराजी इन्होंने पढ़ाई। उसी तरह गंगाखेड़ रास्ते के पिंगलगढ़ नाले के तरफ मौलाना अब्दुल्ला खुतनी रहमतुल्लाह अलैह ईदगाह में सुबह 8:30 बजे नमाज अदा की गई। उसी के साथ दरगाह रोड के दरगाह इलाके के मैदान पर मौलाना रफीउद्दीन अशरफी इन्होंने ईद उल फित्र की नमाज अदा की। इसके अलावा धार रोड स्थित अमीन कॉलोनी के मैदान पर भी ईद की नमाज अदा की गई। इस समय जिला प्रशासन की ओर से जिला कलेक्टर श्रीमती आंचल गोयल, एसपी राग सुधार, मनपा उपायुक्त मनोज गग्गड़, उप महापौर भगवान राव वाघमारे, लोक नेता विजय वाकुड़े, कांग्रेस महानगर जिला अध्यक्ष नदीम इनामदार आदि अन्य नेतागणों ने ईद की नमाज के बाद मुबारकबाद पेश की। सभी नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक बाजी मलिका गफ्फार, ज्येष्ठ कांग्रेस नेता, यूसुफ कॉलोनी, परभनी। अस्सलाम वालेकुम, मैं मलिका गफ्फार, सीनियर कांग्रेस रहनुमा। मैं हमारे तमाम भाई बहनों को और वतन के सभी लोगों को ईद की मुबारकबाद देती हूँ। मैं अपने एक शेर के साथ इस बात को ख़त्म करती हूँ कि एक हो जाए तो हो सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इस बिखरे हुए तारों से क्या बात बने।
खुदा हाफिज़। तमाम बरादरान वतन को ईद उल फितर की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक अफसर खान उर्फ गुड्डू भावी नगर सेवक सुबेदार नगर पर भनी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अफसर खान उर्फ गुड्डू सज्जुल आला मित्र मंडल की ओर से परभनी के तमाम नागरिकों को, हर समाज के नागरिकों को रमजान और ईद की मुबारकबाद देता हूँ। हर तरफ फिजा मसरत की, शादमानी में भी दिल खो जाए, कर रहे हैं दुआ यही या रब ईद सबकी हसीन हो जाए। तमाम नागरिकों को ईद उल फितर की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक अतीक अहमद इनामदार नगर सेवक महानगर पालिका परभनी। अहमद भैया मित्र मंडल की ओर से तमाम बरादरान इस्लाम को ईद उल फितर की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक अहमद भैया नगर सेवक परभनी। किसी ने अदब से कह दिया पर्वत हमें, किसी ने अदब से कह दिया पर्वत हमें, हम तो वो है जो तूफानों का रुख बदल देते हैं। सभी नागरिकों को ईद उल फितर की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक आहत खान भावी नगर सेवक सुबेदार नगर परभनी। परभनी के जिक्रिया हॉस्पिटल में इलाज के लिए आए महिला की मौत। मरीज महिला को डेढ़ बार इंजेक्शन देने का इस्तेमाल किया जाने का परिजनों का इल्जाम। परिजनों के गुस्से का माहौल, डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग का तनाव का माहौल, घटना स्थल पर पुलिस दाखिल, पुलिस और परिजनों में तनाव। परभनी शहर के इकबाल नगर इलाके के जिक्रिया हॉस्पिटल में उन्हीं के पास इलाज चल रहे गर्भवती महिला की आज डिलीवरी के बाद कुछ ही घंटों में महिला की मौत होने की, आज तारीख 22 अप्रैल 2023 शनिवार के दोपहर में हुई इस घटना के बाद मैयत महिला के रिश्तेदारों ने डॉक्टर के लापरवाही के कारण महिला की मौत होने का इल्जाम लग करते हुए डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की। इस मामले को लेकर रात 9 बजे तक तनाव का माहौल हॉस्पिटल में दिखाई दिया। इस दौरान मैयत महिला के रिश्तेदार के अलावा कुछ बाहर के लोग हॉस्पिटल में पहुंचकर हमदर्दी बताते हुए अपना हाथ धोने की बात आए हुजूम में चलती नजर आई। ये लोग क्यों आए थे और क्या करना चाह रहे थे, इनका मकसद क्या था, ये बात को लेकर बेखबर रहे रिश्तेदार भी और पुलिस भी नजर आई। अधिक जानकारी यह है कि परभनी शहर के वांगी रोड हड़को स्थित रहने वाले सैयद अजमत, इनकी लड़की की शादी दरगाह इलाके के शेख मकसूद शेख महबूब के साथ हुई थी। ये लड़की गर्भवती होने से माता पिता के तहत डिलीवरी के लिए इकबाल नगर स्थित डॉक्टर कौसर जकीरिया के हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। डिलीवरी होने के होकर लड़का पैदा हुआ, लेकिन इस दरमियान डिलीवरी महिला का खून ज़्यादा ही बह जाने के लगा और तकलीफें बढ़ती जाने से महिला के रिश्तेदारों ने संबंधित डॉक्टर और वहां के काम करने वाली महिलाओं कर्मचारियों को इसकी जानकारी दी। डिलीवरी तकरीबन 11:30 बजे हुई, इसके बाद तकरीबन शाम 6 बजे के दरमियान महिला की मौत हुई। मौत होने का मालूमात होते ही रिश्तेदारों ने हॉस्पिटल में गर्दी की। कुछ गुस्साई रिश्तेदारों ने डॉक्टर जिक्रिया और कर्मचारियों के गलती के कारण अच्छी खासी महिला की मौत होने की बात कहते हुए एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन देने की वजह क्या है उसकी जांच करने की मांग की, जिससे माहौल में और गरमाया दिखाई दिया। रिश्तेदारों ने डॉक्टर और डेट बार इंजेक्शन देने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की है। दरमियान पुलिस प्रशासन का बड़ा दस्ता हॉस्पिटल पहुंचा। रात 10:30 बजे के दरमियान मृत महिला के पति शेख मकसूद ने नवा मुंडा पुलिस थाने में फिरियाद दी है। दरमियान इस महिला की लाश को लेकर सरकारी हॉस्पिटल में ले जाया गया, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है। इसके बारे में परिजनों का कहना है कि पोस्टमार्टम की जो तो प्रक्रिया ये परभनी में करने के बजाय नांदेड़ में किया जाए, ऐसी चर्चा का माहौल दिखाई दिया। दरमियान इस सब की घटना के अंदर एक अच्छी खासी महिला की मौत हुई है। आज वो मासूम बच्चा जो पैदा हुआ है, इसके माँ का मौत का जिम्मेदार कौन रहेगा, डॉक्टर या लापरवाही कर्मचारी या फिर वो डेड बॉडी दिया हुआ इंजेक्शन, इन तीनों की भी जाँच करना चाहिए। एक अपने सच्चे इंसान के नाते, इंसानियत के नाते आज जो डॉक्टरों के पास ये माहौल दे रहा है, खताई माहौल बन गया है कि अपने तुटपुंजे पगार में कई कर्मचारियों को रखते हैं, उनके पास किसी प्रकार की कोई डिग्री नहीं होती और वो कर्मचारी इनका इलाज करते हैं और ऐसे हादसे हो जाते हैं। इस हादसे का जिम्मेदार कौन, ये बड़ा प्रश्न निर्माण हो रहा है। मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। तमाम बरादरान वतन को ईद उल फितर की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक नासिर शरीफ शेख भावी नगर सेवक एवं उप शहर जिला अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस परभनी। अस्सलाम वालेकुम, मैं नासिर शरीफ शेख उप शहर जिला अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी परभनी। सभी मेरे मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, बहने, बुजुर्ग, बच्चे, इनको मेरी ओर से और मेरे पार्टी शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से ईद मुबारक। खुदा हाफिज, जय हिंद। परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी, चल रहा होगा जमाने में जब हारने का दौर, देखना जीत हमारी उसी दौरान होगी। तमाम बरादरान वतन को ईद उल फितर की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक सैयद फारूक बाबा मित्र मंडल परभनी। मत डरो वार से, मत डरो हार से, कामयाबी एक दिन मिलेगी ही, हर काम करो आत्मविश्वास से। ईद उल फितर की तमाम नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक आलमगीर खान भावी लोकसभा उम्मीदवार वंचित बहुजन अघाड़ी ज्येष्ठ नेता जिला परभनी।
टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। इमरान खान भावी नगर सेवक की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक इमरान खान मित्र मंडल पर भनी। खुदा भी अपने रहमतों की इस पर बरसात करता है जो जरूरतमंद की मदद के लिए आगे बढ़ता है। लोकशाही सेवा संगठन की ओर से रमजान की शुभकामनाएं। शुभेच्छुक अतीकुर रहमान, कांग्रेस ज्येष्ठ नेता, संस्थापक अध्यक्ष, लोकशाही सेवा संगठन पर भनी। तीसरा प्रकरण है, इससे पहले एक बार मतलब दो ही बच्चे का तीसरा प्रकरण है। ये इनको सुबह से बच्चे की डिलीवरी हुई, नॉर्मल हो गई है। उसके बाद बुलेटिन जाने के बाद वो लोग आने को तैयार नहीं थे डॉक्टर साहब। इसके वजह से एक इनिशियन जो दिए हुआ है उसका हमने वीडियो बनाया हुआ है। वो इनिशियन की इन्होंने जाँच करना, तपास करना, उसके बाद जो है निर्णय देना है गरीब लोगों को। उसके अलावा हमारा कोई लेना देना नहीं है डॉक्टर से। जिक्री हॉस्पिटल में दस ग्यारह बजे डिलीवरी हो गई। बाद में वो सिस्टर आए थे, हमारे घर वाले बोलने वाले गए थे, बच्चे का बहुत दुख रहा। तो मैडम तो आई नहीं। अच्छा। वो सिस्टर ने आके इंजेक्शन दिए, उसके बाद आधे घंटे के अंदर बच्ची मेरी। तो ये सीधा सीधा जिक्री हॉस्पिटल की लापरवाही ऐसा लग रहा है। हाँ, सीधा सीधा है, जान बुझ के मार डाले होंगे। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। ये जिंदगी तो सब काट लेते हैं, जिंदगी ऐसे जियो के मिसाल बन जाए। प्रताप भैया की ओर से तमाम शहरवासियों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। परभनी शहर और परभनी जिले के सभी आवाम को, खासतौर पर मुस्लिम भाइयों को ईद उल फित्र की मेरी तरफ से, मेरी परिवार की तरफ से और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। लुटा देना अपना हर एक खतरा अपनी मंजिल के लिए, कि लोग तरस उठे तेरे एक महफिल के लिए। तमाम बरादरान वतन को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक हाजी गुलाम मोहम्मद मिठू, पूर्व नगर सेवक, सचिव दी मेमन मर्चेंट एसोसिएशन परभनी, सचिव मोहिदुमिन मुस्लिमीन हाई स्कूल जूनियर कॉलेज मेमन कॉलोनी दरगाह रोड परभनी। सूरज की किरणें तारों की बहार, चांद की चांदनी अपनों का प्यार। मुबारक हो आपको ईद का त्यौहार। तमाम बरादरान वतन को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक मोहम्मद नईम भावी नगर सेवक परभनी। मेहनत करे तो धन बने, सब्र करे तो काम, मीठा बोले तो पहचान बने और इज्जत करे तो नाम। तमाम बरादरान वतन को ईद की पुरखलूस मुबारकबाद। शुभेच्छुक मोहम्मद बशीर अहमद सर, समाज भूषण प्राप्त, टीचर डॉक्टर जाकिर हुसैन पर बनी। भाजी तुम्हारा कहना ये है क्या, डॉक्टर ने डिलीवरी नहीं करे? कौन करा? चपरासी दोनों थे मैडम। आखिरी में आए बोले बच्चे का मुंह सर तू सर दिखेगा तो जब मैडम को कॉल करेंगे। मैंने बोली नहीं मैडम डिलीवरी होना नहीं, बोले मैडम की डिलीवरी नहीं, बोले की बात में बोले नौकरानी हम रहते, बोले दोनों नौकरानियां आए, बच्चे का टुकड़ा था, बच्चे उठाए और वार्ड में लेके गए। वार्ड में लेके जाने के बाद में फिर बाद में सब मैडम आए तो मैडम ने बोले डिलीवरी होगी तुम्हारे बच्चे की, साथ आके बैठे। बोले कैसे क्या मैडम, तुमने तो बोले बैठे नहीं बिठाएंगे नहीं, बोले बैठ गए, बोले ऐसे बोले मैडम मेरे बच्चे की आंख में बहुत जा रही थी मैडम, तो बोले जाता बोले माँ की दो बिलन रहती बोले अंदर, तो वो जो छोटी छोटी होती बोले दूसरी बच्चे का खून बहुत जाता। तो आपको कैसे पता चला क्या सर्वेंट ने डिलीवरी करी बोल के, आपको कैसे पता? मैं बात थी ना साहब, मैं बच्ची आई है, मेरी बच्ची है, हम साथ में बैठे साहब, वो मेरे साथ अंदर वार्ड में लेके गए तो हम वार्ड में जा रहे थे, हम आपको बोले तू वार्ड में नहीं आना। वो टाइम पे वहाँ डॉक्टर थे क्या मैडम? डॉक्टर नहीं थे मैडम, नहीं थे मैडम, आखिरी में आए और मैडम ने फिर डिलीवरी करे और बच्चा दिया वापस चले।
अच्छा तो कितने थे सर्वेंट अंदर काम करने वाले? खाली मतलब दो भाई, एक दोनों भी हिंदू के थे, एक भाई थे और एक छोकरी थी। मेरे को बोले 500 रुपए दो, मैंने 500 रुपए दी और एक को 200 रुपए दी। मेरे कन मैंने बोले पैसे नहीं है, हमारी बच्ची को जब लेके छुट्टी हो जाएगी तो हम आपको पैसे देंगे। तो आपको आपको ये बोलना है क्या, डॉक्टर मैडम खुद करते थे तो ये नहीं हो सकता था? ये नहीं हो सकता था, उन्होंने खुद मेरे बच्चे की डिलीवरी रखा था। उन्होंने ही चपरासी को क्या समझ रहा, चपरासी को क्या समझ रहा? मैं भी है, मैं काम कर लूंगी, मैं तुम्हारा तपास लूंगी तो तुम्हारा गुना आ जाएगा, नहीं आएगा। कितने दिन से आप एडमिट थे यहाँ पर? यहाँ पर हम रात में 1:30 बजे आए। आपके पेशेंट का यहाँ पर ही इलाज चल रहा है? महीने से इलाज है, पहले महीने की चिट्ठी भी है मेरे बच्चे की, 3 सोनोग्राफी करे वाली भी है, पूरे किलर भी है। परवनी आई सर में मेरे बच्चे की 3 सोनोग्राफी कराए वाले, आप जा सकते हैं वहाँ पर एंट्री कर सकते। पहले सब नॉर्मल आया, सब नॉर्मल आया, रिपोर्ट भी नॉर्मल आया। आज की ताजी रिपोर्ट मेरे बच्चे की नॉर्मल है, साफ वो भी उनके पास है। मैंने बोली दो तो बोले हम तुमको छुट्टी होते हैं, ट्रीटमेंट पहले से तो ट्रीटमेंट करते वक्त डॉक्टर जकेरिया मैडम थे क्या? हाँ थे। और डिलीवरी के वक्त नहीं थे? नहीं थे, बाद में आए थे। मतलब वो लोगों ने वो कंपाउंडर ने बच्चे लेके गए, बच्ची को अंदर सब तपास से करे, बोले जब सर दिखेगा मैं मैडम को बुला दो, तो बोले मैडम नहीं आते। मैडम बोलते बोले कि सर जब दिखा बच्चे का तो हम आते। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक एसएम अली पाशा, पूर्व नगर अध्यक्ष एवं डबल हैट्रिक नगर सेवक मोहम्मद गौस बागवान की ओर से ईद उल फित्र की तमाम नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक मोहम्मद गौस बागवान, जिला सेक्रेटरी कांग्रेस आए एवं संस्थापक अध्यक्ष मिलनसार शिक्षण प्रसारक मंडल परभनी। वालेकुम, मैं मोहम्मद गौस बागवान, जिला कांग्रेस सेक्रेटरी वो मिलनसार शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित सोनिया प्राइमरी व हाई स्कूल का सेक्रेटरी। मेरे फैमिली और मेरे और कांग्रेस की जानिब से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। बादल भैया मित्र मंडल की जानिब से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक शेख अजीज उर्फ बादल भैया, भावी नगर सेवक परभनी। ईद उल फित्र की तमाम नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक शजी अहमद खान, जिला संगठन कांग्रेस सेवा दल, संस्थापक अध्यक्ष राजू युवा संघर्ष समिति, इंडियन ऑयल डीलर, पेड़गांव, जिला परभनी। नहीं लगाते वो, नहीं नहीं बात नहीं कर सकता मैं। हमारा न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहा है, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूले। हाँ, ये बात हम आपको बार बार ही अवगत कराते हैं कि हमें कमेंट्स करना आपके ज़रूरी है, क्योंकि आपके सुझाव और कमेंट्स के ऊपर ही हम आपको बेहतर से बेहतर किस तरह से न्यूज़ आपके तक प्रकाशित करें, ये हमारी आशाएँ लगी हुई है। इसलिए कमेंट ज़रूर करें।